प्रशासन की टीम पिछले बार क्या जीता है, इस बार प्रेस की टीम से बात करते हुए डीसी सर आज प्रशासन 11 और प्रेस का जो मैच चल रहा है वो अब शुरू होने वाला है कर्जन ग्राउंड में। देखिए कैसा होता है, बहुत दिन से लोग फुटबॉल नहीं खेला है, लेकिन आज 15 अगस्त के उपलक्ष में उद्घाटन जो होने जा रहा है, बस उद्घाटन हो ही गया है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से जो हजारीबाग के SDO हैं वो बॉल मार के शुरू करेंगे, और आपको देखना यही है कि जीते है कौन प्रशासन 11 और इसका मैच। चलिए ये प्रेस टीम का खिलाड़ी सभी लोग तैयार, तो मैच जीतना है ना? एकदम बिल्कुल जीतना ही है मैच को, किसी भी हाल में जीतो, मेहनत करेंगे जोश के साथ हम लोग उतरे हुए हैं फील्ड में और अवश्य जीतेंगे। देखिए पूरा कोशिश करेंगे जीतने का, लेकिन पता नहीं फुटबॉल है, हार जीत तो लगा रहता है। कैप्टन हम लोग देखिए बिल्कुल, हम लोग पिछले बार जीते हैं, हम लोग का हौसला बुलंद है, हम लोग इस बार भी मैच को जोश से पूरे भरे हुए। आइए जानते हैं प्रशासन की टीम किस तरह से। इस बार हम लोग 100% जीतेंगे और जिला प्रशासन को हराएंगे। हाँ, ये हजारीबाग जिला पुलिस वर्सेस प्रेस मीडिया के बीच हो रहा है, 20-20 मिनट का मैच होगा और अब देखिए मैच स्टार्ट होने वाला है। खिलाड़ियों की संख्या माकूल तरीके से, दोनों पक्षों के खिलाड़ी इस तरफ का नेतृत्व कर रहे हैं प्रेस क्लब के संयुक्त सचिव को। एक बार फिर विनम्र प्रार्थना होगा तमाम उन लोगों से जो अभी मैदान में नहीं रहने वाले हैं, चाहे या फिर रेफरी, उनको छोड़कर बाकी लोग बाहर आ जाए। खिलाड़ी और रेफरी छोड़कर, रेफरी के रूप में अशोक कुमार, सुरेंद्र राम, कार्तिक राम और शशि कुमार दास जी भी मौजूद है। एक बार विनम्र आग्रह होगा आप तमाम उन लोगों से जो मैच से जुड़े नहीं हैं, मैदान से जुड़े नहीं हैं, आप लोग बाहर हैं। आइए जानते हैं प्रशासन की टीम से। तो जीत गए तो आप लोग पूरी तरह से तैयार है जीतने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। प्रेस की टीम जीत गया था फुटबॉल मैच, पिछले बार बहुत सारी त्रुटियां को दूर करके इस बार हम लोग फिट होके आए हैं। देखिए पूरा टीम प्रशासन, अगर फोटो देकर वाली प्रक्रिया मैच स्टार्ट हो गया। ये देखिए बॉल प्रशासन की टीम में, दोनों टीम येलो जर्सी में है, लेकिन प्रशासन की टीम के ऊपर में डार्क कलर का है। और ये देखिए अभी बीच में ही बॉल, खिलाड़ियों की संख्या का आकलन जरूर कर लें ताकि निष्पक्षता से देखिए सीओ हो सके। सीओ सर और DDC सर है सो बाहर आते हुए, और वहां पे दो साथ प्रशासन के दो खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हुए। मैच की शुरुआत के बाद ही प्रशासन एकादश के कैप्टन बाहर में। ये देखिए बॉल अभी फैज अनवर, लेकिन बीच में ही बॉल रह रही है किसी।
प्रशासन की टीम बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए प्रेस क्लब को बैक के द्वारा बॉल क्लियर किया गया, लेकिन और ऐसा लग रहा है कि ये अरे वाह प्रयास बहुत सुंदर था लेकिन असफल रहा और वो प्रेस क्लब की ओर जा रहा था तो असफल होना ही था। ये पहला कॉर्नर और ये गोल में तब्दील नहीं हुआ। देखिए हम अगर मंच पर है तो हौसला अफजाई प्रेस क्लब की ओर रहेगा और बार बार देख रहे हैं कि प्रेस क्लब के साथी जो है हमारे उनकी तरफ गोल जा रहा है। जी जी पिछले बार इन लोग विजेता रहे थे प्रेस क्लब फुटबॉल, इस बार हम लोग विजेता रहे। देखिए एनडीए सर का कहना है कि इस बार ऐसा प्रशासन ये प्रेस क्लब की टीम बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए और ये देखिए प्रशासन एकादश की ओर से लगातार जो प्रयास किया जा रहा है वो सकारात्मक प्रयास दिख रहा है, भले असफल हो रहा है लेकिन सकारात्मक प्रयास दिख रहा है। अब प्रेस क्लब एकादश जो है वो अगर प्रयास शुरू नहीं करेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक अच्छा खेल दिखाते हुए प्रशासन की टीम, ये सीधा गोल पोस्ट पे अटैक कृष्णा जी और पेंट हटवा लीजिए ना, आप पेंट कर जाइए ना, आप पेंट कर जाइए ना, बारी 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 तो खेलना पड़ेगा इतनी काली जर्सी में। ठीक है भाई जर्सी कलर गड़बड़ा गया, ऑफसाइड करता ही नहीं संभव नहीं है। देखिए प्रेस क्लब के कप्तान रघोजी आपसे कुछ हो नहीं रहा लगता है, हमको लगता है प्रशासन एकादश की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका सामना आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अरे गुड शॉट, पहली बार फर्स्ट क्लास। हाँ एक बार फिर सुंदर प्रयास करें, अब तक परिणाम शून्य है। 10 मिनट अभी तक खेल देखकर कैसा लग रहा है बताए? खेल तो ठीक है, दोनों बराबर का खेल चल रहा है, लेकिन हाँ उसमें कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लड़के हैं जो खिलाड़ी हैं जिसके कारण थोड़ा उन लोग ज्यादा बेटर खेल रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से अटैक, हाँ उसमें खिलाड़ी कुछ ज्यादा हैं और इसमें तो प्रेस वाले लोग हैं, लेकिन अभी तक एक भी बॉल नहीं। हाँ ये सबसे बड़ी बात है, सबसे चार बुद्ध एक ही जगह है चल तो काम हम समझ रहे खिलाड़ी सब है लेकिन नहीं चलेगा। अच्छा पास देकर खेलते हुए प्रशासन की टीम एक बार फिर से अपने एक और से प्रशासन के द्वारा प्रशासन एकादश की ओर से जो प्रयास हो रहा है वो लगातार सफल हो रहा है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। बहुत अच्छा गोलकीपर बाबू दे दिली हम तो राय की सराहना की जानी चाहिए कि हर बार बचाव की मुद्रा में वो सफल हो रहा है। अभी तक स्कोर 0-0, एक भी गोल नहीं और प्रशासन के द्वारा लगातार
प्रेस क्लब की टीम पे अटैक बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ गोलकीपर के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और दो गोल उन्होंने अभी तक बचाया है अपनी टीम के लिए। आगे देखिए क्या इसी तरह से सफल हो पाती है कौन सी टीम। देखिए बहुत तेज कैसा लग रहा है मैच देखकर? बहुत आनंद आ रहा है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है। क्या लग रहा है अभी तक मैच देखकर? अभी तक तो देख प्रेस की टीम, अभी तक तो लग रहा है कि पुलिस टीम ये प्रशासन की टीम पूरा हावी है पत्रकार भाई पर। अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ, जैसा हो रहा है खेल वैसा लग रहा है कि प्रशासन की टीम जल्दी ही गोल करेगी। दर्शकों का कहना है कि प्रशासन की टीम जल्दी गोल करेगी और उसी को लेकर आगे बढ़ते हुए और ये फिर से प्रशासन नाकाम। दिखता है गेंदे अगेन, ये प्रेस क्लब के जितने भी सदस्य हैं जितने भी खिलाड़ी हैं उनको पावर में आना होगा। अरविंद जी, अरविंद जी आप लोग पीछे से खेलिए, नहीं नहीं पीछे से खेलिए, वहीं से शॉट मारिए डायरेक्ट। फिर बात शुरू करिए और इस बार प्रेस क्लब के कागज के जो सदस्य हैं वो पूरी ताकत से जीत रहे हैं और गेंद जो है फिर से वो वापस ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गोल किया है आपकी टीम का, क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, जिस तरह से हम गोलकीपर को देख रहे हैं बहुत मेहनत कर रहा है और जिस तरह से वो अपना खेल का प्रदर्शन कर रहा है वो काफी सराहनीय है। स्कोर अभी 0-0 है, उसका श्रेय पूरा गोलकीपर जाता है, गोलकीपर को जाता है। देखिए पूरे खेल का हेलो प्लेयर है आया राहत नहीं जैसे एक बार फिर से कॉर्नर हुआ था, दोबारा कॉर्नर होना है। लगातार प्रयास करता है प्रशासन एकादश, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेस क्लब एकादश जो है वो बेहतर करने की ओहो, फिर से गोलकीपर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, मतलब ये सारे 10 प्लेयर को भेद ले रहे हैं प्रशासन की टीम लेकिन गोलकीपर को नहीं भेद कर पा रहे हैं। अभी गोलकीपर जो दोनों टीम में है जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सबसे अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी गोलकीपर है जिसके बदौलत प्रेस क्लब अभी तक अपने मैच को बराबरी रखे हुए है। और ये सच भी है कि अभी तक गोलकीपर ने जैसा प्रेस क्लब से प्रदर्शन किया है उसी के कारण अभी भी स्कोर 0-0 है और फिर से प्रशासन की टीम का अटैक एक ही जगह पे बहुत सारे खिलाड़ी। ग्राउंड में जाते हुए और अपने साथी खिलाड़ियों को कुछ सलाह देते हुए। लेकिन टीम का कैप्टन है
पहले है कि जो कप्तान है एसडीओ साहब वो मैच ही नहीं खेल रहे हैं। ऑफ साइड से जगह बनाते प्रशासन के टीम से हर्ष अजमेरा खेलते हुए एक कमेंटेटर दोनों टीम के खिलाड़ियों के साथ देखिए अब जबरदस्ती दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से प्रशासन की टीम को मौका गोल की कोशिश भेजना और ये बहुत ही अच्छा से फिर से देखिए प्रेस टीम के तरफ से फैज अनवर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए प्रेस क्लब टीम के कप्तान और ये प्रशासन की तरफ से पहला गोल और गोलकीपर अगर में कुछ नहीं कर पाए और ये देखिए प्रशासन टीम के तरफ से एसडीओ सर खुश पहला गोल हो गया है अभी और गोल हो गया गोलकीपर के लिए क्या कहना चाहते हैं प्रेस टीम के गोलकीपर प्रेस टीम के गोलकीपर निश्चित तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से अच्छा खेल रहे हैं और ऐसे लड़के जो भी हैं वही इज अ वेरी गुड प्लेयर। देखिए अभी तक बहुत ज्यादा टेम्प लेने के बाद ये पहला गोल लेकिन फिर भी स्कोर प्रशासन एक गोल और प्रेस क्लब जीरो फिर से प्रशासन की टीम फिर से एक और सेव गोलकीपर के द्वारा प्रशासन की टीम कॉर्नर लेते हुए लगातार कॉर्नर जा रहा है और वो भी प्रेस क्लब एकादश की ओर एक
एक और गोल और 2-0 से बढ़त लेते हुए पर्सन के टीम प्रेस के। दो जीरो से पीछे चल रहा है प्रेस क्लब की टीम, क्या कहना चाहते हैं? बराबरी होगा? बराबरी, अभी अभी आधा घंटा का खेल बात की है, अभी देखते हैं क्या परिणाम, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक प्रेस क्लब का टीम एक भी गोल पे अटैक नहीं किया। अभी धीरे धीरे अरे उन लोग सब अनुभवी खिलाड़ी लोग, उन लोग खेल रहा है, प्रेस क्लब का लोग बेचारा अब अपना साल में एक बार उतरा है, उन लोग अनुभवी खिलाड़ी है। अपने गोलकीपर के बारे में क्या? वो तो गोलकीपर तो बहुत अच्छा है और वो अपना खेल का अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है, वो काबिले तारीफ है। चलिए देखिए अभी खेल बाकी है, फिर से ही बॉल लेकर नहीं आए कुछ कर पा रहे हैं, आज जीत के जाना है। हेलो, नया अरविंद नहीं खेल रहा है, लोग बाहर उंगली लोग खेल रहा है। हम लोग 25 पैड क्रॉस कर चुके हैं, मुझे लगता है कि हाफ टाइम के लिए थोड़ा देर गैप मिलना चाहिए लोगों को। हाफ टाइम होने के बाद जो भी मिनटों का होगा अपना अपना स्ट्रैटेजी तय करें। तस्वीर साफ दिख रही है कि प्रेस एकादश हार की ओर है। अब कोई बहुत अच्छा प्रयास हो सके, तीन गोल करके बराबरी पर आ सकता है, चार गोल करके जीत की ओर जा सकता है। मैच के बीच में हाफ टाइम और 3-0 से बढ़त लेते हुए प्रशासन की टीम, और बहुत सारे मैच में रेफरी करते हैं, इस मैच में क्या अलग है? यह इस माटी का मैं लाल हूँ, ठीक है, यहीं से मेरा कारमा चालू हुआ और अभी मैं नेशनल रेफरी हूँ। हमारे गुरु भैया मुरारी सिन्हा जी हैं और घर का मैच तो घर का मैच बहुत इंटरेस्टिंग मैच होता है, ठीक है, क्या कि यहाँ से मैं पला बढ़ा तो बहुत आनंद है। तो प्रेस और प्रशासन के बीच में जो मैच हो रहा है, ये मतलब क्या अलग लग रहा है बाकी प्रोफेशनल मैचों से? बहुत साल पहले यहाँ पे इंडिपेंडेंस कप होता था जब हम लोग स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ बीच में बंद था। अगर प्रशासन और प्रेस का मैच हो रहा है तो ये हमारे हजारीबाग के लिए सद्भावना और सहयोग की भावना के लिए, आने वाले फुटबॉल मैच के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा कि हमारे दो बुद्धिजीवी मंच एक साथ रहेंगे तो हमारा सब समस्या का समाधान होगा हमारे अनुज के लिए। और अभी देखिए ये खुटरा में यही मैच करवा रहे थे, तो आइए जानते हैं इस मैच में क्या अलग है उससे, बताइए क्या अलग है इस मैच में? सर वहाँ का मैच और यहाँ मैच तो अंतर है, यहाँ पे तो खैर प्रशासन और मीडिया का मैच है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो डिसिप्लिन अगर
प्रशासन और मीडिया नहीं रखेगी तो और अदर प्लेयर में क्या अंतर होगा? आपको थकना कम पड़ रहा था, बॉल हाफ साइड ही था, प्रशासन के तरफ तो बॉल गया ही नहीं, प्रेस क्लब के तरफ ही था। वो खेल ही नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से थकेंगे, वैसा मैच ही नहीं हो रहा है तो। और गोलकीपर जो था प्रेस क्लब के टीम से, आप बताएं उनके बारे में। वो बहुत अच्छा कीपर है, पहले जेवियर का कीपर रह चुके हैं और आज अच्छा कीपरिंग किए हैं, वो अपने बदौलत 3-4 गोल भी बचाए हैं, वरना स्कोर अभी बहुत कुछ अंतर तक 6-7 गोल हो गया रहता। चलिए देखते हैं हाफ टाइम के बाद क्या होता है, इधर प्रशासन की टीम, प्रेस क्लब की टीम और इधर प्रशासन की टीम 3-0 से बढ़त लेकर। आइए जानते हैं वहाँ सारे खिलाड़ियों से कि आप लोग तो प्रेस के टीम को चढ़ाई ही नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना कि हम लोग 3 गोल मारे हैं और 3 और टारगेट है, कम से कम हाफ दर्जन मारना, मौका नहीं दीजिएगा। नहीं, हम लोग जीतना है 100%। पहले से हम लोग का स्ट्रेटजी तय था कि हम लोग आज जीतना है, पिछले बार हम लोग हराए थे, इस बार हम लोग 6 गोल कम से कम मारेंगे। कुछ तो मौका दे दीजिए। नहीं, कुछ नहीं मौका देंगे इस बार। देखिए प्रशासन की टीम अभी भी बोल रहे हैं कि कोई मौका नहीं देंगे। आइए जानते हैं क्या आगे प्रेस की टीम को मौका दीजिएगा। जरूर देंगे, जरूर देंगे आपको, जरूर मौका दीजिएगा या गोल दीजिएगा। नहीं नहीं, मौका कैसे देंगे, मौका मौका भी देंगे और गोल भी दे। अभी तक के खेल में तो एक बार भी अटैक नहीं कर सका आपके गोल पोस्ट पे। बिल्कुल, इतना ही मतलब जवान सब मेरा इतना टेंस है ना कि मतलब जो है डिफेंस मतलब प्रशासन का चक्रव्यूह इतना टाइट है कि कोई भेद नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल टाइट। प्रशासन की टीम का चक्रव्यूह इतना ज्यादा है कि वो भेद नहीं सकते। आइए कैसा लग रहा है मैच देखकर? मैच बहुत ही रोमांचक है, वन साइडेड है एक्चुअली। प्रशासन हमेशा शुरू से दबाव बना के रखी हुई है और बॉल मेरे को लगता है कि हमेशा जो है सो प्रेस के साइड में ही है। प्रशासन की टीम अब हाफ टाइम में मौका देगी या अभी भी चढ़े रहेगी? मुझे तो लगता है चढ़ी रहेगी क्योंकि प्रशासन के प्लेयर अच्छे हैं। प्रशासन की टीम का कहना है कि उनका चक्रव्यूह कोई भेद नहीं सकता है इस गेम में और गेम के बाद भी। अपना प्लेयर ये देखिए गोलकीपर जिन्होंने 4-5 किया है अपने टीम के लिए, बताइए कितना मुश्किल हो रहा था? बहुत बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत लगातार अटैक हो रहा है, हाफ फील्ड के आगे हमारे साइड से जा नहीं रहा है बॉल, तो मेरे पे काफी ज्यादा अटैक हो रहा है तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी अपने साथी खिलाड़ियों को उत्साहित कर रहे हैं कि आप उनके पूरा पूरा बस किसी तरह अभी पहले हम लोग को बराबर करना है गोल करके, उसके बाद आगे देखना। प्रशासन की टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसी टीम है? वो तो अच्छी टीम है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, पोजीशंस का पूरा उनको है पता कि कहाँ से कैसे खेलना, पासिंग वगैरह सारा अच्छा है। चलिए अब हाफ टाइम में एक भी गोल नहीं खाना है, बचाना बस है। बस अब बाकी सेकंड हाफ में मैं कोशिश करूंगा कि नहीं गोल खाऊं। प्रशासन के टीम का कहना है कि उन्हें उनके चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं सकता इस गेम में और गेम के बाद, क्योंकि उनका चक्रव्यूह है उन बूट से खेल रहे हैं, हम लोग बिना बूट के खेल। प्रेस का टीम देखिए 3 गोल से हार रहा है लेकिन अभी भी चांस है कि जीत जाएंगे प्रेस का टीम। सेकंड हाफ में थोड़ा अभी जोश आया है, पहला बहुत दिन बाद लोग खेले नहीं है तो अब नहीं खेलने से क्या होता है कि लोग में जंग लग गया है, पुराने पुराने खिलाड़ी हैं जो हो सकता है अब अच्छा खेलने की कोशिश करें और चांस है कि अभी 3-4 गोल हम लोग मारेंगे, वेट कीजिए आप। देखिए 3-4 गोल मारे लेकिन आप लोग तो एक भी बार बॉल लेकर नहीं गए। कोऑर्डिनेशन फुटबॉल 11 प्लेयर खेलता है, एक प्लेयर से नहीं होता है फुटबॉल। क्रिकेट में है कि एक प्लेयर से सेंचुरी मार दिया मैच जीत गया, अब 11 प्लेयर यहाँ कोई खेला नहीं है, 5 साल के बाद बॉल पकड़ रहा है तो ये सब प्रॉब्लम है। पूरा उत्साहित है सेकंड हाफ में? उत्साहित पूरा है, प्रयास में लगे हुए हैं, बाकी साथियों पर डिपेंड करता है। इतना बड़ा गोल पहले खा सकता है गोलकीपर को गेंदबाज तक खेलने का अवसर नहीं मिला और एक गोलकीपर था रोकते रोकते बेचारा 3 गोल लग गया। अरे बाद में खोल सकते हैं, अभी हम लाए ठीक है। सब कुछ जो है अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए सब आपकी वजह से हो रहा है। आप मैचों में जो उतर गए ना, ये सब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा क्या?
प्रशासन के चक्रव्यूह को भेद नहीं सकता है प्रेस का टीम, कोई नहीं भेदेगा। 12-0 से हम लोग जीत रहे हैं, चढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा प्रेस की टीम को, मिलेगा साइड से, साइड से मिलेगा। देखिए और देखिए पूरा प्रशासन की टीम, ये देखिए क्रिकेट में भी हरा है, फुटबॉल में भी हराइएगा। पुलिस प्रशासन हर एक खेल में माहिर है, इसलिए मुश्किल है पुलिस प्रशासन को भेद पाना। खेलिए और प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर मैच में ग्राउंड में आइएगा, तब आप जीतेंगे दोबारा। तो अभी सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है? सेकेंड हाफ में अभी तो फर्स्ट हाफ में पुलिस टीम 3-0 से लीड कर रही है, उम्मीद है कि कम से कम 4 गोल और मारेगा। देखिए कोई भी मौका नहीं देना चाहते है, और अभी सेकेंड हाफ का मैच स्टार्ट होगा। पूरा लाइव है, वहाँ बैग वाला खल था, फेंक दिया था। और सेकेंड हाफ का मैच बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, 3-0 से लीड कर रही है प्रशासन की टीम। मिथुन है वो, मिथुन तो मैच यहाँ देखते हुए। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष गंजी में उतर गए हैं, आप समझिए बनियान में उतर गए हैं, मतलब अब हार स्वीकार नहीं, अब हार स्वीकार नहीं। उमेश राणा भी भास्कर के ब्यूरो चीफ और ये भी अच्छे फुटबॉलर रहे हैं, अच्छे एथलीट रहे हैं, आपको प्रमाणित करता है कि अब हार स्वीकार नहीं। अब देखिए अब ऐसा लग रहा है कि जो प्रशासन एकादश की ओर लगातार गेंदें जा रही हैं, कहीं टोटका तो नहीं, उधर गेंद ही जाता है बार बार, उधर प्रशासन एकादश से उधर ही गेंद जा रही है, ऐसा लग रहा है कि टोटका गेंद जाएगी। हाँ कुछ तंत्र विद्या का है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए कोई कोई भी चक्कर नहीं चलेगा गुरु, कोई संभावना दूर दूर से नहीं दिख रहा है। ले ले कहा, अरे गेंद पैरों में फिसलती क्रिकेट एकादश की ओर, लेकिन बच गए। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जोशो करोज के साथ पेस एकादश, प्रेस क्लब एकादश जो है सामने दिख रहा है, और इस बार 3-3 बराबर करना है, मतलब हिसाब चुकता करना है। 3-0 से अभी टीम आगे है प्रशासन की टीम, प्रेस की कल प्रेस टीम पीछे 3-0 से। उमेश जी के आने के लगातार आप टोटका माने चाहे कुछ माने, लेकिन सच्चाई ये है कि ऊर्जा आई है लोगों में। एक बार रहा है प्रशासन एकादश की ओर से, लेकिन ये तय है हम गोलकीपर की देते हैं कि उनके जो प्रयास रहे वो लगातार सफल रहे हैं, ये अलग बात है कि किसी दूसरे की असफलता का परिणाम भुगत है, अब भुगत लिए, लेकिन अब तो अच्छे मूड में सारे लोग। और गेंद हमेशा दिखना चाहिए प्रशासन एकादश के गोल पोस्ट की ओर। उमेश जी ने बहुत सुंदर प्रयास किया था, लेकिन उसको कवर नहीं कर पाए हैं नवीन जी, उनके पास बहुत अच्छा ओवर था। बोला बोला बर्फ झेला, बोला बर्फ झेला, बोला बर्फ झेला, खाली है, खाली है, मैं है। बोला भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन अब तक उनके पांव के नीचे गेंद तरीके से नहीं आ पाई है।
अगर तरीके से गेंद आई होगी तब तक उमेश सिंह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि पेस का एकादश नहीं हारे। फिर एक बार प्रशासन एकादश की ओर से गेंद चली गई। प्रयास कर रहे प्रशासन में टकराव अच्छा चीज नहीं है, जर्सिया मिल जा रहा है। सुंदर एक बार फिर गोल कीपर की ओर से हर सच में आगे गिर गए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। मैच के खत्म होने के पहले एक खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। खैर हर सीट भर चुके हैं, प्रशासन एकादश को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, थके हुए हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं। हम तो कैप्टन साहब को देख रहे हैं कि पवेलियन के पास बैठे हैं, अब उनकी पड़ताल करनी होगी। अब चलते मैच खत्म होने के बाद ले कितनी भी कोशिश कर तुम्हारा माइक पहने था अभी दिए। दूसरे हाफ में एक भी गोल नहीं, अभी भी स्कोर 3-0 से प्रशासन की टीम आगे, और लगातार प्रयास किया जा रहा है प्रेस टीम के द्वारा, लेकिन बॉल अधिकतर हैंडबॉल का अपील। बड़ी गड़बड़ स्थिति है, हाफ टाइम में नींबू और पानी दिया जाता था हम लोग जब फुटबॉल मैच खेला करते थे। मैच से गड़बड़ नींबू अलग पानी अलग कॉफी। उसके पास बॉलर ना जा रहा, पीला पहन लिया है, पीला पहन लिया उतरे ने बोरो पूरा मेहनत खूब कर रहे हैं। बहुत सुंदर कवर भी किया गया उसको, गेंद फिर से प्रशासन की ओर जाते जाते बची है। लगातार प्रयास हो रहे हैं दोनों ही तरफों से, ढोला के हाथ में ढोला आ गया है। हाँ मिथुन, मिथुन के हाथ से गेंद छीन ली गई और कुछ कर रहे हो, एक मत बढ़ाओ यार।
हमारा अपने बाड़ा है ले बंद मत कराइए भाई कवर करने दीजिए बहुत अच्छा सेव एक बार फिर से गोलकीपर प्रेस क्लब के गोलकीपर के द्वारा आप सच माने बूट में भी खेल रहा गोल नहीं दिया गया गोल नहीं दिया गया हैंडबॉल प्रशासन की टीम के द्वारा हैंडबॉल किया गया था उसके बाद अभी भी स्कोर 3-0 कुछ मिनटों के बाद मैच समाप्ति की घोषणा करनी होगी मैच एक तरफा हो चुका है लेकिन यह प्रशासन एक अक्सर की जीत नहीं है यह गारंटी के साथ मैं एक प्रेस क्लब के सदस्य होने के नाते बोल सकता हूँ वहाँ पूर्व प्लेयर मौजूद है आज मेरा है ना उससे सारा कुछ हुआ है हमारे तरफ से कोई पूर्व प्लेयर नहीं था प्रशासन एक आदत की ओर से आज तक मेरा ने पूरे पेट में चार पांच को बोतल लेकर दौड़ जाओ तो उधर प्यास लगा होगा कृष्णा जी तो नहीं आपका जा रहा प्रशासन की टीम को फ्री किक और गोल पोस्ट के बहुत ही करीब देखिए गुस्सा उसका चढ़ेगा ना तभी हाथ में से हम पर्व टच किए हैं पैरों से तो टच प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा ये देखिए दर्शक मजा आ रहा है मैच देखकर हाँ ठीक लग रहा है ठीक लग रहा है इसका किसका मैच है पता है इसका किसका मैच है पता है पता तो नहीं भाग क्या है रेस और पुलिस का मैच हो रहा है हाँ एक बार फिर से गोल खाली 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 चौथा गोल और ये चार गोलों से बढ़त लेते हुए प्रशासन की टीम दूसरे हाफ में ये पहला गोल फिर प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी के चेहरों पे मुस्कान प्रशासन एकादश की ओर से अभी कैप्टन जब ग्राउंड के अंदर घुसे पांच बॉल से हम लोग हारे नहीं है पांच बॉल से हम लोग जीते हैं बोरो प्लेयर था ना जी गोरो प्लेयर की उपस्थिति में प्रशासन एकादश जीत की ओर दिख रही है मैच 5 मिनट शेष बचे हैं कुछ ही देर का और मैच 4 गोल से आगे प्रशासन की टीम और एक बार आग्रह होगा कि जो भी जनसंपर्क विभाग से जुड़े लोग हैं उनसे आग्रह होगा कि एक आध
बूंद पानी अगर हम लोग को दे दीजिएगा, नींबू पानी तो छोड़ दीजिए, खाली पनिया दे दीजिएगा तो बड़ी खुश हो जाएंगे। दोनों टीम के कैप्टन कृष्णा जी के पास पानी है, उसके बाद भी आप चिल्ला रहे हैं, आपका पार्टी को मिल गया पूरा। वैसे बरसात का मौसम है, पानी मिल नहीं रहा है, पूरा खेत जो है उसमें दरारें आ गई हैं। राजेश जी देखिए कितना कृषि हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो पानी के चलते गुस्सा मत करो, पर पानी तुम बोलोगे तभी पेटी का पेटी आ जाएगा। बायां हाथ से देगा, दायां हाथ से लेगा, इनको तरीका पेलेंटी सूट है? पेलेंटी सूट लेते हुए प्रशासन की टीम और गोलकीपर जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया प्रेस की टीम से, क्या बचा पाते हैं? जी हाँ, ये सेव कर लिया, बहुत सुंदर डिफेंस था, पटका पटकी मारा मारी सब कर लीजिए, लेकिन अब कोई काम नहीं। हेलो मैसूर फिनिक्स में क्या है, ये जा अब तो बहुत मुश्किल है क्योंकि टाइम उतना बचा नहीं है, तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि प्रेस इलेवन जीत पाएगा क्योंकि पूरी तरह से प्रशासन इलेवन ही हावी है अभी तक तो। और प्रेस टीम के गोलकीपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रेस टीम के गोलकीपर ही तो जान बचाए हुए, प्रेस टीम का काफी अच्छा गोलकीपर कर रहे हैं, वो समझिए कि एक तरह के वो स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल में। और ये जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं आज अभी एक घंटा दौड़ रहे हैं, क्या लगता है कि ये लोग कल से दिखेंगे मैदान में या घर पे सोएंगे? ये तो लग रहा है घर पे सोएंगे एक दिन, उसके बाद ही अगले दिन ड्यूटी पे जाएंगे ये लोग न्यूज़ के लिए। देखिए मैदान में तो उतर गए हैं लेकिन इस गेम के बाद पांच मिनट का मैक्सिमम वक्त दिया जा रहा है, अपना बोरो प्लेयर हारेंगे तभी कुछ हो पाएगा। हेलो जितना जुझारूपन दिखा लीजिए, एक तरफा जीत की ओर प्रशासन एकादश है, आपके पास लंबा वक्त था लेकिन उस वक्त का आपने इस्तेमाल नहीं किया, निर्धारित समय को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, मैच खत्म हो चुका है और मैं समझता हूं कि प्रशासन एकादश एक तरफा जीत की ओर है। प्रशासन मूर्खता होगी प्रशासन एकादश में, और देखो सर्दियां हम लोग जीत गए थे। चल के मैच समाप्त हो चुका है, रेफरी बताए कि किसको कितने गोल मिले, हम लोग को तो दिख नहीं रहा था इधर से। नहीं वैसे भी परंपरा रही है प्रशासन के आगे प्रेस कहाँ जीत पाया है। हमें तो हारना ही है लेकिन लड़ना है,
ये प्रयास करना ही चाहिए। लगातार मैच खत्म हो चुका, जबरदस्ती करने से भी कोई फायदा नहीं है। प्रेस क्लब एक आदर्श हार चुका है, एक पत्रकार होने के नाते हम स्वीकार करते हैं कि हम हार चुके हैं, अब जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक चीज स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ पर बोरो प्लेयर थे प्रशासन एकादश की ओर से, वैसे पुलिस एकादश था, उसमें भी एक बोरो प्लेयर हर चीज बैठ के वहां पर गड़बड़ सड़बड़ किए हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ हर सच में राजी किए हैं। और अगर सही मायने में एफआईआर किया जाए और सही धाराएं लग गई तो निश्चित तौर पर वो लाल कोठी के अंदर में फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। चलिए, मैच समाप्ति की घोषणा की जानी चाहिए, रेफरी की ओर से ही की जानी चाहिए, हम अधिकृत नहीं है इसके लिए, लेकिन जो निर्धारित समय है हम उस सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए मैच खत्म किया जाना चाहिए। 5-0 से प्रेस बार बार हार चुके हैं। जनवरी में जीत गए थे, अफगानिस्तान अभी तक इतना मैच खेला। देखिए पुलिस की टीम, हमने भाई 6 गोल बोला, मैच प्रशासन का टीम हावी रहा, पुलिस की टीम पर एक भी प्रयास नहीं कर पाया। ऐसे भी प्रशासन हावी रहते हैं, क्या कह रहा है, ऐसे भी प्रशासन हावी रहते हैं। और ये देखिए, हमने प्रॉमिस किया था 6 गोल मारने का, 6 गोल पूरा किया वादा, 5-0 से। देखिए कितना थक गए, नहीं बोलिए इस बार हार गए, बहुत बेइज्जती लग रहा है, पिछला बार जीते थे बहुत बेइज्जती लग रहा है, बहुत बेइज्जती लग रहा था, हार जीत होता है, पिछला बार हम लोग बहुत जोश जोश के तरीके प्रशासन को हराए थे, लेकिन क्या करें इस बार थोड़ा सा हमारे खिलाड़ी के पास, पिछला बार प्रशासन को हराए थे, इस बार पुलिस आ गया। हाँ यस, सही बात है, पिछला बार प्रशासन को हराए थे, अभी पुलिस आ गया। देखिए एक भी गोल मारने का, एक भी गोल मारने का मौका गोल क्यों नहीं मारा प्रेस का भाई, देखो पीला पीला टी शर्ट पहन के खिला दिया है, लग रहा है कि 24 प्लेयर एक ही टीम से खेल रहा है। इस बार मौका दे दीजिए, हाँ जीतने का, मतलब लोग बहुत ज्यादा प्लेयर था, मतलब अच्छा से कोऑर्डिनेशन नहीं था, फुटबॉल में 11-11 ग्राउंड छोटा है, उसमें 15 प्लेयर खेल रहा है, 30 प्लेयर कैसे होगा, एक साइड ही गोल पोस्ट में एक गोल मार देते कम से कम आप लोग, तो 6 गोल क्या, 10 गोल मारता पता नहीं, नहीं अभी आराम, बहुत बहुत अच्छे ढंग से हम लोग खेले हैं। अब चूंकि हमारे जो साथी टीम है उन लोग पूरा एकदम तैयारी के साथ बूट वगैरह पहन के आए हुए थे, और प्रशासन न बल्कि पुलिस के लोग सारे जवान लोग खेल रहे थे, और हम लोग पत्रकार साथी हैं, हम लोग भी उनको मतलब कि काफी उन लोग को फाइटिंग में दिए हैं, और इसके लिए हम लोग को घबराने की बात नहीं है, हम लोग पिछले बार 2 बॉल से जीते थे। और अभी फोटो सेशन का, ये हमारा कैप्टन साहब है, दोनों टीम बाई तरफ प्रेस की टीम, और हमारे बीच एस पे सराहता हुआ।
थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे रहिएगा, पूरा आ जाएगा। और जी कोई चिंता नहीं करनी है, विजेता वही होता है जो उपविजेता होता है। उपविजेता ही विजेता होता है, विजेता जो भी है उनको बहुत बहुत बधाई, और उपविजेता जो है उनको ढेर सारी बधाई। गोलकीपर को मिलना चाहिए हम लोग के जो लोग इंडिकेट करते हैं, लेकिन हमारे पत्रकार एकादश के